दूध विक्रेता मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में अपने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा की है। नई कीमत आज से लागू होंगी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की प्रमुख दूध विक्रेता मदर डेयरी की तरफ से दूध के दाम बढ़ाने का ये इस साल ये 5वीं बार है। मदर डेयरी दिल्ली एवं आसपास के इलाकों में रोजाना 30 लाख लीटर से अधिक दूध की बिक्री करती है। मदर डेयरी ने कहा कि फुल क्रीम दूध का दाम पहले 64 था, अब 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि टोंड दूध की कीमत पहले 51 थी, अब 53 रुपए प्रति लीटर होगी। वहीं जब जनता से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस हिसाब से साल के आखिरी साल में फिर दूध के दाम बढ़ाने से नाखुश है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आम जनता की जेब पर भार पड़ता है। सैलरी तो बढ़ती नहीं, लेकिन महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, आपके माध्यम से मुझे पता लगा कि दूध के दाम दिल्ली में बढ़े हैं, और क्यों बढ़े हैं ये तो सरकार का जवाब देने का काम, मगर ये जो जल्दी जल्दी दूध के दाम जो बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है, और वो भी सर्दियों में, कि वो एक रोड पर बैठा गरीब से लेके और ऊपर रईस तक, चाहे वो कितना बड़ा रईस हो, उसको ज़रूरत होती है। तो जो रेगुलर जो दिन प्रतिदिन एक महीने में जो इतने 2-2 रुपये 1 रुपये का रेट जो बढ़े हैं, इसके विषय में सरकार को सोचना चाहिए, और ये मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि इतने दूध बढ़ाने का रेट का कोई औचित्य नहीं। श्याम जी, देखा गया कि लगातार दूध का दाम बढ़ा, आज फिर 2 रुपये दूध का दाम बढ़ गया थाली में, क्या कहेंगे इसके लिए? तो जो महंगाई हो रही है उसका असर तो पड़ेगा ही दूध पे, तो इतना तो बियर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है सब। जय श्री राम। नहीं, फ़र्क तो पड़ता ही है, मेरे कैसे 2-3 महीने में 2-3 रुपये बढ़ चुके। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कुछ सरकार को? कुछ हम तो स्टेबल ही होनी चाहिए खासतौर से इसके, तो ये तो रोज़ की चीज़ है ना, इसलिए इससे पूरे सबके सबका इफेक्ट पड़ता ही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।